जय गुरुदेव। संत महात्माओं के ऊपर दुनिया वालों ने तरह तरह के जुल्म ढाए, तरह तरह की उन्हें यातनाएं दी, तरह तरह से उन्हें सताया। तो संत महात्माओं के ऊपर ढाए गए जुल्मों से इतिहास भरा पड़ा है। तो आज यहां जिन घटनाओं का, जिन संस्मरणों का जिक्र हो रहा है, ये सभी घटनाएं, ये संस्मरण परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पूरे भारत और पूरी दुनिया में फैले उन प्रेमियों के दिलों की दर्द भरी दास्तान है, जिन्हें उन्होंने 21 महीनों के लंबे समय तक झेला था। 21 महीनों का वो लंबा समय जिसके दौरान प्रेमी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए तड़पड़ा उठे थे। 21 महीनों की वो अवधि जिसके दौरान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रेमी उनके चरण कमलों में मस्तक रखने के लिए बेचैन हो उठे थे। 21 महीनों का वो दर्द भरा इतिहास परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सहनशीलता की निशानी और स्वामी जी महाराज के प्रेमियों के धैर्य और साहस का परिचायक और धर्म और राजनीति के संघर्ष की दर्द भरी कहानी। राजनीति एक बड़ी ही बेरहम और निरंकुश और अहंकारी औरत के रूप में सामने आई थी। भर्तृहरि का वो श्लोक साकार हो गया था कि नारी जब गिरती है तो तब तक गिरती जाती है जब तक कि उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। 21 महीनों की इमरजेंसी की काली और खूनी राजनीति जिसने धर्म, कर्म, न्याय, सत्य, सदाचार सबको निगलने के लिए सुरसा का रूप धारण कर लिया था, कितनी अबलाओं के सुहाग को निगल लिया था, कितनी ही माताओं की गोद को सूनी कर डाली थी, कितने अजन्मे बच्चे जो सूरज की पहली किरण देखने से पहले ही मांस के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फेंक दिए गए थे, कितने पुरुषों के पुरुषार्थ के अरमान पूरे भी नहीं हो पाए थे कि उसके पहले ही उनके पुरुषार्थ की बलि चढ़ा दी गई थी। आम आदमी के जान, माल, धर्म सब पर खतरा आ गया था। कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी, सबका भाग्य अधर में लटका हुआ था। कितने ही लोगों के मकान गिरा दिए गए थे, कितने ही लोगों की जमीन जायदाद सब कब्जा कर ली गई थी और कितनों को ही गिरफ्तार करके अनजान जगहों पर भेज दिया गया। उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जगह जगह भटकते फिरे, किसी का कोई पता नहीं लग पाया। कितने ही मंदिर मस्जिदों को गिरा दिया गया। ईश्वर का नाम लेने के लिए लोग मंदिर मस्जिद जाने में भी डरने लगे थे कि पता नहीं कहां पकड़ लिए जाएं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 8 जून सन 1975 में बंबई के शिवाजी पार्क में अपने कार्यक्रम में प्रवचन के दौरान कहा था कि घबराइए नहीं, बहुत जल्दी ही दिल्ली की कुर्सी मैं खाली करवा लूंगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कही हुई ये बात किसी भी रेडियो और अखबार में प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए ये खबर, ये बात बंबई तक ही सीमित रही। 15 जनवरी सन 1974 में लखनऊ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह कहा था कि 1 साल 4 महीने बाद परिवर्तन होगा, और फिर वो सत्य हो गया। 12 जून सन 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित किया और इंदिरा को अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया। न्याय और कानून ने तो 12 जून सन 1975 में ही प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करवा ली थी। इंदिरा गांधी हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिल्कुल विवेक शून्य हो गई थी, लेकिन देश में जितने भी बड़े बड़े पद थे उन सब पर इंदिरा गांधी के अपने एहसानमंद लोग थे। तीनों सेनाध्यक्ष मन मुताबिक नियुक्त किए गए थे। इसी कारण इंदिरा को विश्वास था कि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। 14 जून सन 1975 में बस्ती जिले के राम जानकी मार्ग पर मौजूद गांव चकिया, एक छोटा सा गांव, वहां परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम ये था।
इस कार्यक्रम की घोषणा प्रेमियों ने अखिल भारतीय स्तर पर 2 महीने पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। पूरे देश में इस कार्यक्रम से खलबली मच गई थी। शासन के लोग बड़े ही चिंतित थे इस कार्यक्रम को लेकर। एक छोटे से गांव में जहां आने जाने का भी साधन नहीं था, वहां इतना बड़ा कार्यक्रम, इस बात को लेकर शासन बड़ा चिंतित था। 14 जून सन 1975 को चकिया गांव में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का चकिया में बड़ा ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सत्संग का कार्यक्रम हुआ। देश के कोने कोने से चलकर 10 लाख से भी ऊपर नर नारी सत्संग में आए। सत्संग के एक एक घंटे की रिपोर्ट सीआईडी के एजेंट सीधे दिल्ली भेजते थे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाने के बाद परिवर्तन की ऐतिहासिक घोषणा की और घोषणा करते हुए ये कहा कि बाबा जी ने 30 करोड़ लोगों को भारत में जगा दिया है। आप चाहे चुनाव सन 75 में करा लो या सन 76 में, वर्तमान की सत्ता बदल जाएगी। आगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रवचन के दौरान कहा कि जब रात में कौवा बोले और दिन में सियार बोले तो समझना चाहिए कि आगे बुरा वक्त आने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। प्रधानमंत्री को त्रिदोष लग गया है क्योंकि 3 घटनाएं एक साथ हुई हैं। पहली, गुजरात के चुनाव में कांग्रेस की हार। दूसरी, डॉक्टर डीपी धर की मौत, दुर्गा प्रसाद धर। और तीसरा, हाईकोर्ट का फैसला। तो जब त्रिदोष लग गया तो आगे सन्निपात है और इसका कोई इलाज नहीं। ये तो जानलेवा होता है और अब हो गया है सन्निपात, ये लेकर ही जाएगा। आगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था कि देखो भारत के वीर जवानों, भारत की प्रधानमंत्री देश से भागने न पाए, तुम मेरोड्राम पर घेरा डाल दो। देश के तीनों जल थल नभ के सेना अध्यक्षों, आपकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री भाग न पाए। सतर्कता से आप निगरानी रखिए, जब प्रधानमंत्री भागने लगे तो तुम उसे एरोड्राम पर पकड़ लेना। और इसके बाद सभी सेनाध्यक्षों, राष्ट्रपति, गृहमंत्री और विरोधी दलों के अध्यक्षों और देश के बड़े बड़े मुख्य पदाधिकारियों के पास परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसके लिए टेलीग्राम भेजा। 16 जून को सबके पास टेलीग्राम पहुँच गया। चकिया का ये ऐतिहासिक सत्संग करके जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज लखनऊ, कानपुर, फरुखाबाद आदि अनेक स्थानों में जगह जगह पहुँचे तो प्रेमियों को दर्शन देते हुए स्वामी जी महाराज कहे थे कि प्रेमियों, तुम सब लोग जेल जाने को तैयार रहना, अब वक्त आ गया है, कभी भी जेल जाना हो सकता है। चकिया के कार्यक्रम से पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोले थे कि ये सत्संग का कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन भगवान की इच्छा अनुसार होने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता। 14 जून सन 1975 में चकिया के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा पर सन्निपात का ज्वर चढ़ गया। वो एकदम सदमे में पहुंच गई जब उसने देखा कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संगों में लाखों की संख्या में जनता जनार्दन की भीड़ उमड़ती है और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ओजस्वी, तेजस्वी और क्रांतिकारी वाणी। तो वो एकदम विवेक शून्य हो गई और अपनी सुध बुध खोकर अपने अकंटक राज्य करने की लालसा से, अपनी कुर्सी बचाने के लालच से उसने 25 जून सन 1975 को, जब देश की 60 करोड़ जनता सो रही थी, उस काली रात में रात 12 बजे उसके आदेश से देश के सभी बड़े बड़े इंदिरा सत्ता विरोधी नेता, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सभी नेता, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में जबरदस्ती बंद कर दिया गया। संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी और उनकी मंजूरी के बिना ही ये कार्रवाई कर दी गई। जबकि इसके बाद 26 जून को राष्ट्रपति के साइन करवाने के बाद इस इमरजेंसी की घोषणा की गई थी।
लेकिन नेताओं को बंद करने की कार्रवाई 25 जून की रात में ही शुरू कर दी गई थी, जो तानाशाही और निरंकुशता की निशानी थी। अपनी गिरफ्तारी पर जयप्रकाश नारायण ने उस समय कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। देश के अनेक प्रमुख स्थानों पर समाचार पत्रों की बिजली सप्लाई और टेलीफोन की लाइनों को 25 जून की रात में ही काट दिया गया था। 26 जून की सुबह को जब जनता जनार्दन सोकर उठी तो सारा हाल देखकर हक्की बक्की रह गई। नागरिकों के समस्त मौलिक अधिकार समाप्त हो चुके थे। सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया था। हर आदमी के जबान पर ताला था। सबको परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात, जो उन्होंने सन 74 के भंडारे पर कही थी कि रात को सोओगे तो कुछ होगा और सवेरे उठोगे तो कुछ होगा, वो बात याद आने लगी। सड़कों पर पुलिस का सशस्त्र गश्त था। देश में चारों तरफ धुआंधार गिरफ्तारियां होने लगी। सभी जगह DIR और मीसा कानून में बंद किए जाने की चर्चाएं थी। जन जन के भीतर इतना भय समा गया था कि ये सारे जुल्म को देखकर सभी लोग भयभीत थे। लोग आपस में बातचीत करने में भी डरते थे कि कहीं कोई पकड़ न ले, इसलिए सरकार के बारे में कहीं कोई बात नहीं करता था। यहाँ तक कि घर के अंदर भी लोग बात करने में डरते थे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उन दिनों चिरौली संत आश्रम कृष्णानगर मथुरा में थे। जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ उस समय प्रेमी थे, उन्होंने स्वामी जी महाराज से उस समय कहा कि स्वामी जी आप कहीं चले जाइए, यह इंदिरा आपको भी नहीं छोड़ेगी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े ही हंसकर जवाब दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो उसी घड़ी का इंतजार कर रहा हूं। 2 दिन बीते और प्रधानमंत्री ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी नहीं छोड़ा और 29 जून सन 1975 को उस समय के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के ऑर्डर से परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए सुबह सुबह ही पुलिस कृष्णानगर आश्रम पर पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आपको SP साहब ने याद किया है। तो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उनका स्वागत करते हुए तुरंत उनके साथ ही चल दिए। 29 जून को जेल यात्रा के समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मथुरा में संगत को निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए? कि सभी लोग साधन भजन सुमिरन में लगे रहें, संगत को संगठित रखना, शांत रहना और समय का इंतजार करना। फिर SP साहब के यहाँ जाने पर बिना कोई कारण बताए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने SP ने बताया कि मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को गिरफ्तार करके उन पर DIR की धारा लगाई गई और इंदिरा गांधी और हेमवती नंदन बहुगुणा की राय से उनको उसी दिन सेंट्रल जेल आगरा ले जाया गया और वहां सी ग्रेड यानी सबसे निचले दर्जे के ग्रेड में उन्हें वहां उन कैदियों के साथ रखा गया। 15 दिन बाद परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मीसा कानून के अंतर्गत रख दिया गया और उन्हें हाजी मस्तान जैसे गैंगस्टर और कई अन्य खूंखार अपराधियों के साथ वहां रखा गया और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पर यह चार्ज लगाया गया कि प्रधानमंत्री को मारने की ये साजिश कर रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की गिरफ्तारी से पूरे देश में उनके प्रेमियों में हाहाकार मच गया। सरकार ने यह किसी को नहीं बताया कि स्वामी जी महाराज को कहाँ रखा गया है, लेकिन स्वामी जी महाराज के प्रेमियों ने इसका पता लगा ही लिया। कुछ प्रेमी आगरा पहुंचे, लेकिन किसी को भी स्वामी जी महाराज से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के उस समय हिंदुस्तान में 1 करोड़ नामदानी शिष्य थे, जो कि शांति के पुजारी थे और राजाज्ञा को सिर माथे पर रखने वाले थे। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, इन सभी चीज़ों के वे विरोधी थे और वे राजाज्ञा के इंतजार में थे कि सरकार स्वामी जी महाराज को रिहा कर देगी। आगरा में प्रेमी गुप्त रूप से रहने लगे, जो बराबर स्वामी जी महाराज के बारे में हालचाल का पता रखते थे। मथुरा आश्रम पर रहने वाले प्रेमियों को और एक बुजुर्ग सत्संगी भाई
श्री उदय नारायण लाल, जो बाबूजी के नाम से संगत में प्रसिद्ध थे, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और आश्रम पर पुलिस का जबरन कब्जा हो गया। आश्रम पर उस समय 10 लाख रुपए की संपत्ति थी, उसे पुलिस ने गायब कर दिया और 22 गाय बैल थे जिनको सरकार ने नीलाम कर दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की गिरफ्तारी के बाद इंदौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मानव सुधार साप्ताहिक के संपादक श्री शिखर चंद्र शर्मा उन समेत अनेक सत्संगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अगस्त 1975 में संगत के फोटोग्राफर श्री जगदीश दत्त रस्तोगी, बंधु स्टूडियो वाले, उन्हें भी गिरफ्तार कर दिया गया। 23 अगस्त को 148 मॉडल हाउस लखनऊ से शाकाहारी सदाचारी बाल संघ कार्यालय के कार्यकर्ता श्री जवाहरलाल शर्मा और संत राम जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पहुंची। उस समय रात का समय था। एक साथ कमरे में 15-20 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी घुस गए और पहुंचते ही पूछना शुरू किया कि कहां है वो सचिदानंद, उसका कैमरा कहां है, उसका टेप रिकॉर्डर कहां है, उसके फोटो एल्बम कहां है। फिर पुलिस ने वहां से प्रेमियों को गिरफ्तार किया और 148 मॉडल हाउस पर कब्जा कर लिया। अगस्त में ही अमर संदेश मासिक पत्रिका और स्वधर्म साप्ताहिक पत्रिका के संपादक श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव, जिन्हें पूरी संगत शंभू जी के नाम से जानती है, उन्हें और आनंद जी को गिरफ्तार करके अमर ज्योति और अतुल प्रेस पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। जौनपुर के श्री शिवमूर्त यादव यानी बड़े बाबूजी, उनके जोगियापुर स्थित दुकान पर छापा डालकर उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। 14 घसियारी मंडी लेन लखनऊ से भी श्री नंदराम चौहान जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिना किसी वारंट के प्रेमियों के घरों की तलाशियां ली गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। औरतों के सामने गाली गलौच और मारपीट की गई, प्रेमियों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया। पूरे भारत में फैले धर्म के इन शांति प्रिय प्रचारकों के साथ जो ज्यादतियां हुई, जो घटनाएं हुई, वो छिपाई और दबाई नहीं जा सकेंगी। इसी क्रम में सरिता बहन जी यानी मुन्नी बहन जी, उन्हें भी गिरफ्तार करके आगरा जेल में रखा गया और करिश्मा देखिए बाद में वहां की जेल ही टूट गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री एम चैन्ना रेड्डी के ऑर्डर से 22 अगस्त 1975 में उत्तर प्रदेश में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर बैन लगा दिया गया। पूरे भारत में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से रिलेटेड जितनी भी प्रेसें और अखबार थे, उन सब पर पुलिस ने जबरिया ताला लगा दिया और उससे संबंधित लोगों को जेल में जबरदस्ती बंद कर दिया गया। मात्र राजस्थान सरकार के अधीन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से संबंधित एक साप्ताहिक पत्रिका सूरत शब्द योग निकलती रही। राजस्थान सरकार ने उसे बंद नहीं किया। उस प्रतिबंध का आदेश उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया। इस आदेश के बाद परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से जुड़े शिष्यों ने तारीख 20 अक्टूबर 1975 को एक संदेश उसे छपवा कर सारे भारतवर्ष में बंटवाया, जो उनकी अनन्य राष्ट्रभक्ति का उद्घोष था। और इसके 10 दिन बाद प्रेमियों ने एक और पर्चा बांटा। सन 1975 का वार्षिक भंडारा, जो अगनसूदी दशमी को पड़ता है, इस वर्ष मथुरा में नहीं मनाया गया। आश्रम पर पुलिस का पहरा था। भंडारे पर कुछ प्रेमी आगरा जेल गए और गोपनीय रूप से जेल के फाटक पर निहारते रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने दांत की तकलीफ के कारण उस समय डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो प्रेमियों ने गेट से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन पाया और अपनी पूजा स्वामी जी महाराज को अर्पित की। समृत पुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने दोनों हाथों को उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और जय गुरुदेव कहा। आगरा जेल में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी थी। प्रेमी स्वामी जी महाराज से बिल्कुल नहीं मिल पाते थे। आगरा जेल के बाहर किसी न किसी तरह से प्रेमी खड़े रहते थे। जेल के अंदर देखते रहते थे कि कहीं से स्वामी जी महाराज का दर्शन हो जाए, कहीं से थोड़ी सी झलक मिल जाए। बिहार की एक बूढ़ी माता जी
एक महीने तक लगातार आगरा जेल की तीन तीन परिक्रमा लगाती थी। ये उन माताजी का रोजाना का नियम था। परिक्रमा लगाने के बाद वो एक पैर पर एक घंटा वहाँ खड़ी रहती थी। उसको सीआईडी वालों ने और पुलिस के सिपाहियों ने रोका, मना किया, तो वो बोली कि हम कोई नुकसान तो करती नहीं है, रोको मत, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये उस बूढ़ी माई का प्रेम था। प्रेम हो जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है।